गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। ये साइंटिफिक कंटेंट है, इसको शेयर करेंगे तो ये अवेयरनेस बाकी लोगों तक पहुंचेगी। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो आपको कैसा महसूस होगा, या आपको हेपेटाइटिस बी है तो हाउ विल यू फील, आज उस पर बात करेंगे। जहां तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, अधिकांश टाइम ऐसा होता है कि ये ना तो कोई सिम्टम शो करती है ना कोई साइन शो करती है। तो ना सिम्टम्स आएंगे ना साइन आएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको हेपेटाइटिस बी है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि हेपेटाइटिस बी आपकी बॉडी में आती है, निकल भी जाती है एंड आपको पता भी नहीं चलता है। कभी ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी पड़ी हुई है एंड आपको पता भी नहीं है कि वो है, क्योंकि ये ना कोई साइन शो कर रही है ना ये कोई सिम्टम शो कर रही है। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि सिम्टम्स आते हैं तो वो इतने हल्के होते हैं कि वास्तव में आप इन्हें कोई इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, ये आते हैं चले जाते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि कभी कभी जो सिम्टम्स हैं वो जस्ट ऐसे हो सकते हैं जैसे फ्लू के सिम्टम्स होते हैं कि हल्का फुल्का सा फीवर हुआ, हल्का फुल्का सा बॉडी में पेन आया एंड ये हेपेटाइटिस बी निकल गई एंड आपको पता भी नहीं लगा। साइंस ऐसा मानती है कि अप्रोक्सीमेटली 50% अडल्ट्स जिन्हें हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन होता है उन्हें वास्तव में पता भी नहीं लगता है कि उन्हें कुछ हेपेटाइटिस बी जैसी कोई चीज हुई या कोई चीज नहीं हुई। ये उसमें ये जो सिम्टम्स हैं वो इतने हल्के होते हैं कि फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं निकल जाते हैं एंड यू आर नॉट इवन अवेयर कि आपको हेपेटाइटिस बी का कोई इंफेक्शन हुआ एंड वो बाहर चला भी गया। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हेपेटाइटिस बी आपको बॉडी के अंदर आती है या हेपेटाइटिस बी का वायरस आपके बॉडी के अंदर आता है तो जो सिम्टम्स यूजुअली आते हैं साइंस ऐसा मानती है कि 6 हफ्ते से लेके 6 महीने के बीच में आएंगे। इसका मतलब यह है कि 6 हफ्ते से या 1.5 महीने से लेके 6 महीने के बीच में आपको जो सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स के आसपास के टाइम का है। तो 6 हफ्ते से लेके 6 महीने तक कभी भी आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। नाउ ये जो सिम्टम्स आते हैं वो कभी कभी कुछ ही दिन तक रहते हैं, जिसे एक्यूट हेपेटाइटिस के फेज में माना जाता है कि सिम्टम्स आए, प्रेजेंट हुए, इन उस सिम्टम्स के लिए आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके सिम्टम्स पूरे रिजॉल्व हो गए एंड आप पूरी तरह से ठीक हो गए। बट इन सर्टेन इंडिविजुअल्स ये जो सिम्टम्स हैं कुछ लंबे समय तक चलते रह सकते हैं। इन वास्तव में ये जो डिजीज प्रोसेस है ये क्रॉनिक फेज में चली जाती है। नो अगर हम एक्यूट फेज के सिम्टम्स को देखें जो 6 हफ्ते से 6 महीने में आपको आ सकते हैं, उनको आप खुली आंख से देखिए। कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत थकान लगी हुई है, आप टायर्ड फील कर रहे हैं। नंबर 2, आपकी भूख नीचे की तरफ जाएगी, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, आपको नौशिया एंड वॉमिटिंग परसिस्ट करेगी एंड आपको कंटिन्यूअसली जो ना इस तरह की चीज परसिस्ट करेगी तो आप खाना कम खा पाएंगे। नंबर 3-4 पर कभी आपको पेन इन एब्डोमेन आएगा एंड पेट में दर्द कभी इतना तेज आएगा कि अनबियरेबल हो जाएगा, आपके ज्वाइंट में पेन आने लगेगा जो बहुत टिपिकल है फॉर हेपेटाइटिस बी कि आपको आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। बीच बीच में आपको फीवर आएगा, जो फीवर है वो सामान्य हो सकता है, वो ठंड देके हो सकता है और फीवर के साथ में बहुत ज्यादा आपको सर में दर्द होगा जो हेपेटाइटिस बी के साथ में आता है। कभी आपको अर्टिकेरिया हो जाएगा, इन द सेंस कि आपको जो पूरी बॉडी है उसमें लाल 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 स्पॉट आ जाएंगे जिनमें खुजली बहुत ज्यादा होगी या जिसे चकत्ते कहते हैं या रिस्पित्ते भी कहते हैं। आपको अर्टिकेरिया होगा जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सबसाइड होगा। आप यूरिन के अगर कलर को देखें तो आपको लगेगा कि आपको जो यूरिन का कलर है वो अनयूजुअली डार्क हो गया है, तो यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप लैटिन के रंग पर ध्यान दें तो जो लैटिन का कलर है वो लाइट हो जाएगा एंड कभी कभार तो सफेद होने लगता है। इसका मतलब यह है कि यूरिन डार्क होगी एंड लैटिन का कलर लाइट हो जाएगा एंड कभी कभी व्हाइट कलर की जो लैटिन है वो पास होने लगती है और तब आप देखेंगे कि आपकी जो आंख है उसमें जॉन्डिस डेवलप हुई। इसका मतलब यह है कि इट्स ए प्रोसेस है पूरी की पूरी जो टायर्डनेस से चालू होती है और जॉन्डिस पर जाकर रुक जाती है। नो, अगर आपको कुछ तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं जो हेपेटाइटिस बी की तरफ इंडिकेट करते हैं या फॉर दैट मैटर आपको जॉन्डिस डेवलप हुई तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आपको हेपेटाइटिस बी के लिए चेक कराने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जॉन्डिस आपको डेवलप हुई है वो हेपेटाइटिस बी के वायरस के चलते हुई है। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुई हेपेटाइटिस बी के चलते तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बट इन सबसेट ऑफ पेशेंट्स कुछ
कुछ पेशेंट्स में जरूर ऐसा होता है कि आसानी से अपने आप खत्म नहीं होती है, ये बढ़ती चली जाती है, ऑनगोइंग हो जाती है और ये क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर ये क्रॉनिसिटी में जाएगी, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस डेवलप होगी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि लिवर को परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखती है। तो ये बात सही है कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जो हेपेटाइटिस की तरफ इंडिकेट करते हैं, इन उसके बाद आपको आंख में पीलापन दिखाई देता है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर को कंसल्ट करने के साथ में आपको हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराने की जरूरत है, और अगर अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी अगर पॉजिटिव है तो आपको क्लियर कराने की जरूरत है कि ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का हिस्सा है या ये क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है या ये क्रॉनिक लिवर डिजीज है। अगर ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का हिस्सा है तो साइंस मानती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे 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 रिजॉल्व हो जाएगी, इन खत्म हो जाएगी, इन हेपेटाइटिस बी का वायरस भी आपकी बॉडी से मर जाएगा या बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्रॉनिक लिवर डिजीज हो गई है या ये क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है, तो साइंस ऐसा मानती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिवर डैमेज होगा एंड सीवियर लिवर डिजीज होने की संभावना हमेशा बढ़ेगी। इफ दैट इज सो, तो आपको वास्तव में इन्वेस्टिगेट करा के जो क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस या क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है उसकी मेडिकेशन चालू कराने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स को या हाउ डू यू फील, इसको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।